मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि जो 9 के 9 विधायक थे वो बिक गए और सुधीर शर्मा से उनके सरगना है, ये व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन तथ्य को सामने नहीं रखा अभी तक। इसका मतलब है कि उनके पास कोई तथ्य है ही नहीं, और जो आरोप हमने लगाए हैं, चाहे वो बद्दी के हों, चाहे वो माइनिंग के ऊपर हों, इस प्रदेश में अवैध खनन और बद्दी में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमने आरोप लगाए हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते। वो क्यों जवाब नहीं देते कि हमीरपुर में क्रशर किसका है? वो जवाब क्यों नहीं देते कि बद्दी में जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनना था उसके अंदर अवैध खनन कौन कर रहा है, और वहां पर एक एसी दफ्तर किसका है जिसके अंदर की लेन देन चलता है? वो क्यों जवाब नहीं देते वो पत्रकार कौन है, पूर्व पत्रकार जो डीपीआरओ के दफ्तर में बैठते हैं और जो कि गगरेट से टिकट भी मांग रहे थे? और सबसे बड़ा घोटाला जो वर्तमान सुक्खू सरकार ने आचार संहिता लगने के बाद किया है, वो शिमला की जो पीने के पानी की 24/7 की सप्लाई की जो स्कीम थी उसका किया है। जब मैं मंत्री था मेरे समय में 472 करोड़ रुपए की वो डीपीआर तैयार हुई, और वो डीपीआर तैयार हुई और उसके बाद पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ठाकुर जयराम जी की, उस समय उसका टेंडर 790 करोड़ का हुआ। और जब वो टेंडर हुआ तो क्योंकि दो ही कंपनियां थी, एक स्वेज कंपनी और एक एलएनटी, और दोनों के बीच में कार्टल था, उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस टेंडर को निरस्त किया, कैंसिल किया, क्योंकि वो जो बिडिंग प्राइस था उसके ऊपर जो डीपीआर थी उसके ऊपर उन्होंने उसको भरा था। कहां 700, कहां 472 करोड़ और कहां 790 करोड़, और दोनों कंपनियों ने मिलकर के किया। और ये वही स्वेज कंपनी है जो कि कोयम्बटोर में जिसने प्रोजेक्ट किया एसआई, और वो पूरी तरह से फेल हुआ, जिसके बारे में कि मुख्य सचिव को और शहरी विकास विभाग के सचिव को पहले से बताया गया, उन्हें पता था, लेकिन फिर भी क्या कारण थे कि इसी कंपनी को वर्तमान सरकार ने 920 करोड़ में, यानी कि 400 करोड़ रुपया ऊपर में ये प्रोजेक्ट दिया है और सीवीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब एसजेपीएनएल के बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें जो शिमला के मेयर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि कॉरपोरेशन 51% की उसमें स्टेक होल्डर है, उन्होंने कहा था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी 14 मार्च को जो है वो सरकार इसकी स्वीकृति देती है, 15 मार्च को एसजेपीएनएल आचार संहिता के दौरान जो है वो स्विस के साथ एग्रीमेंट करता है और उनको काम दे देता है, और साथ में 100 करोड़ रुपए एडवांस भी दे देता है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं जानना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए क्यों दिया गया। और मुख्यमंत्री जी, आप बड़े आरोप लगाते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभिषेक जोशी कौन है जो आपके एक निजी सचिव को दिल्ली में मिला आचार संहिता के दौरान जब ये काम दे दिया गया? क्या आप बताएंगे? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? हम जो भी प्रश्न करेंगे तथ्यों के साथ करेंगे और सच्चाई को जनता के सामने रखेंगे।